हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने चैनल ट्रैवल चीता पे। ट्रैवल चीता एक बार फिर से लेके आ गया है इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि होने वाली है पांगाचूला एंड क्वारी पास समिट की। और यार इस ट्रैक पे ना आप लोगों को आने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि यार कब खुलेगा ये ट्रैक, क्योंकि ये ट्रैक जो है हमारा 365 डेज ओपन रहता है। आपकी जब छुट्टी हो तब आ जाओ यार। तो ज्यादा देर ना लगाते हुए यार जानते हैं कि कैसे इस ट्रैक पे पहुंचेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे और क्या लेके जाएंगे। तो यार चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो की स्टार्टिंग हम लोग करेंगे ट्रैवल के ऑप्शन से कि कैसे आप लोग क्वारी पास और पांगाचूला तक पहुंच सकते हो। तो अगर आप लोग कहीं से भी आ रहे हो तो सबसे पहले आपको कहाँ आना है? ऋषिकेश। तो उसके बाद आप लोग ऋषिकेश से अपनी जर्नी शुरू करोगे बाय रोड की। तो ऋषिकेश से आप लोगों को डायरेक्ट जोशीमठ की बस मिल सकती है अगर आप लोग टाइम से हो, जो कि 4, 5, 6 और 8, 7, 8 के बीच में भी मिलती है एक बस। वहाँ से डायरेक्ट जोशीमठ की अगर आपको बस चाहिए तो आपको मिल जाएगी और आपके जो प्राइसेस होंगे वो अराउंड 500 के अंदर आपको वहाँ से डायरेक्ट बस इस पर्टिकुलर चार्ज पे मिलेगी। और उसके बाद ऑप्शन, क्योंकि इस रूट पे ये रूट लंबा है जोशीमठ का, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके बाद भी बस मिले, तो बस के ऑप्शन ये रहेंगे। और उसके बाद टैक्सीज जो होती हैं वो भी हमेशा नहीं रहेंगी जोशीमठ की। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप मॉर्निंग टाइम से हैं तो आप बस ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस पर्टिकुलर जर्नी को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि आप ऋषिकेश से श्रीनगर को आराम से आप कवर कर सकते हो और वहाँ की टैक्सीज भी मिनिमल चार्जेस पे चलती हैं। तो श्रीनगर अगर आप आते हो टैक्सी से, उसके बाद जो आपका रहेगा वहाँ से आपको रुद्रप्रयाग की बस भी मिल जाएंगी। बट ये जो जर्नी होगी अगर आप ब्रेक करके चलोगे तो आपको जर्नी काफ़ी बड़ी लग सकती है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप ऋषिकेश से जोशीमठ की डायरेक्ट बस लीजिए। तो ऋषिकेश से जोशीमठ बसेस चलेंगी, टैक्सीज भी चलेंगी, और अगर आपको प्राइवेट टैक्सी करनी है तो आप लोग वो भी हायर कर सकते हैं, बट उसके चार्जेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो अब आप जोशीमठ जब पहुंचोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करची विलेज जाना है। करची विलेज क्या है? कुवारी पास और पांगाचूला ट्रैक का विलेज है जहां पे आपको होम स्टे मिलेंगे। तो करची विलेज पहुंचने के लिए आपको जोशीमठ से टैक्सीज भी मिलेंगी, शेयर टैक्सी, लेकिन आप लोग कोशिश ये कीजिए अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो आप अपनी एक टैक्सी बुक ही कर लो, क्योंकि शेयर टैक्सी में क्या होता है उस रूट पे पर्टिकुलर ज़्यादा टैक्सी चलती नहीं है, तो वो आप लोगों को वेट काफ़ी कराएंगे। तो आप लोग अगर शेयर टैक्सी से ही जाना चाहते हो तो आपको 80-100 में चार्जेस देने पड़ेंगे पर पर्सन, और अदरवाइज़ अगर आप अपनी 4-5 लोगों का ग्रुप लेके चलते हो तो आपको अराउंड 500 से 600 पे करना पड़ेगा और वो आप लोगों को करची विले छोड़ देंगे। तो ये हमारा जितना भी था ये ट्रैवल का ऑप्शन है, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे जो कि है स्टे एंड ट्रैकिंग रूट। सबसे पहले स्टे का ऑप्शन जो हमारा आता है वो आता है जोशीमठ में। जोशीमठ में आपके पास बहुत सारे प्राइवेट होटल्स के ऑप्शन है, उसमें से आप कोई भी होटल चूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग प्राइस जो रहता है उनका वो रहता है अराउंड 1000 से, और जो कि जाता है 2500 या 3000 तक मैक्सिमम। उसके अलावा हमारे पास गवर्नमेंट होटल्स भी होते हैं जैसे कि GMVN, जिसके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। अगर आपको रूम वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है तो बेटर है कि आप पहले से रजिस्ट्रेशन करवा के जाइए। वहाँ पे आपको डॉर्मेटरी भी अवेलेबल होगी, और अगर आपका बड़ा ग्रुप जा रहा है तो आप वो ले सकते हैं, बहुत ईजीली आप स्टे कर सकते हैं। जोशीमठ के बाद अराउंड 2.5 किलोमीटर्स बाद आता है ढाक विलेज। पहले वहाँ पे भी ऑप्शंस होते थे होम स्टेज के, बट अब वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप लोगों को ढाक पे कोई स्टे का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा करची विलेज। करची विलेज में आपके पास होम स्टे के ऑप्शंस हैं, वहाँ पे आप रह सकते हैं। वहाँ पे भी अराउंड 1500 चार्जेस होते हैं एक नाइट के, और उसके बाद वहाँ से आपका नेक्स्ट डे ट्रैक शुरू होगा। ट्रैक शुरू होते ही आपका 2.5 किलोमीटर्स बाद फर्स्ट स्टे जो आता है वो आता है अखरोट गिट्टा का।
अखरोट गिट्टा पे आप अपने कैंप सेट कर सकते हैं, वहाँ पे नाइट स्पेंड कर सकते हैं बहुत इजीली, बहुत अच्छा व्यू है वहाँ का। और हम लोग क्वारी पास जब गए थे, हमने स्टे करा था छानी में, क्योंकि हम गए थे लोकल गाइड के साथ, तो उन लोगों की वहाँ पे छानी बनी होती है, वो अखरोट गिट्टा से अराउंड 800 मीटर्स दूर थी, तो हमने वहाँ पे स्टे किया था। उसके बाद आपका नेक्स्ट डे का ऑप्शन आता है खुलारा का, ये हमारा पांगरचुला और कुआरी पास दोनों का भी कॉमन स्टे चल रहा है। तो खुलारा में आपका जो स्टे का ऑप्शन है, वहाँ पे आप अपने कैंप सेट कर सकते हैं गाइड के साथ कैंप में, वहाँ पे भी बहुत बहुत अच्छा मैदान वाला एरिया है, वो ग्राउंड है प्लेन, वहाँ पे अपने आप कैंप सेट कर सकते हो इजीली, इंजॉय कर सकते हो नाइट, और नेक्स्ट डे आप अपने ट्रैक पे निकल सकते हो। अगर आप कुआरी पास जा रहे हो, कुआरी पास आपका पड़ता है 7 किलोमीटर दूर, उसका समिट जो है, और जो पांगरचोला पड़ता है वो आपका रहता है 12 किलोमीटर्स का ट्रैक। तो खुलारा में स्टे करने के बाद जब आप नेक्स्ट डे जाओगे, अगर आप कुआरी पास जा रहे हो, तो बीच में आपको दो मंदिर दिखेंगे छोटे छोटे, ठीक है। वहाँ से अगर आप कुआरी पास जा रहे हो, आपको राइट की तरफ जाना है, जो रास्ता नीचे जा रहा है वो आपको ले जाएगा कुआरी पास की तरफ, और अगर आप पांगरचोला ट्रैक कर रहे हो तो उन दोनों मंदिर से आपको लेफ्ट की तरफ जाना है, और वो रास्ता ऊपर की तरफ जाएगा, वो आपको ले जाएगा पांगरचोला ट्रैक की तरफ। यही थे हमारे स्टे के ऑप्शंस, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो ट्रैवल और ट्रैक रूट आप लोगों ने देख लिया है, और स्टे के कौन कौन से ऑप्शंस हैं ये भी आप लोगों ने देख लिया है। अब मैं आपको कुछ मैंडेटरी चीज़ें और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ जो इस ट्रैक के लिए आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये दोनों जो ट्रैक्स हैं ये हर वक्त ओपन रहते हैं, 365 डेज ये ओपन रहते हैं, आप किसी भी टाइम जा सकते हैं। बट कुछ जो स्पेसिफिक मंथ्स हैं जो मैं बताना चाहूँगा आपको, अप्रैल मई जून, इस टाइम पे आपको दोनों ही ट्रैक्स पे बर्फ़ देखने को मिल सकती है। पांगरचोला पे तो आपको 12 महीने बर्फ़ देखने को मिलती है, लेकिन ये जो 3 मंथ्स हैं ये पीक सीजन बताया जाता है, इस टाइम पे अगर आप इन दोनों ट्रैक्स पे जाते हो तो बहुत अच्छा रहता है। कुआरी पास ट्रैक आपका जनवरी में भी बहुत अच्छा माना जाता है, दिसंबर जनवरी में थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिरनी शुरू होती है, तो कुआरी पास ट्रैक आप उस टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पांगरचोला इन्जॉय करना है प्रॉपरली तो आप अप्रैल मई जून में से किसी भी टाइम जा सकते हैं। वैसे तो ट्रैक्स बहुत करे हैं, लेकिन पांगरचोला जैसा ट्रैक ना नसीब वाले ही कर सकते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक्स में से माना जाता है, ठीक है। कुआरी पास ट्रैक तो आपका हो सकता है, लेकिन पांगरचोला के लिए ना आपको प्रॉपर गेयर्स चाहिए, आपको स्पाइक्स वाले शूज चाहिए, आपको जैकेट एकदम बिल्कुल जो होती है ना मोटी मिलिट्री वाले पहनते हैं जैसे गुलमर्ग की सर्दियों में, वैसी वाली आपको जैकेट चाहिए, आपको कैप चाहिए प्रॉपर, और स्टिक आपको मैंडेटरी चाहिए, जो मतलब इतनी इतनी स्टिक ना आपकी अंदर घुस जाती है बर्फ़ में, इतनी इतनी बर्फ़ होती है वहाँ पे, ठीक है। तो मोटी जैकेट, स्टिक्स, ग्लव्स ज़रूर लेके जाना, हाथ आपके जम जाएंगे, कोई मतलब दिक्कत वगैरह आपको बहुत हो सकती है। और इस ट्रैक पे सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है आपको गाइड लेके जाना, बिकॉज इस ट्रैक का जो रूट है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो आपको इस ट्रैक पे गाइड ज़रूर लेके जाना चाहिए, और गाइड आपको कर्शी विले से मिल जाएगा, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको गाइड की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो बाकी इस पूरे ट्रैक पे आपको खाना जो है वो खुद ही बनाना पड़ता है, वो आपके लिए गाइड बना देता है, ये भी एक रीज़न है गाइड को लेके जाने का, गाइड आपको बना देता है, बस जो परचेजिंग है वो आपको करनी पड़ती है, और गाइड के जो चार्जेस होते हैं पर डे के आई थिंक 1000 के आसपास होते हैं, वो आप गाइड से कंफर्म कर सकते हैं अगर आप हमसे नंबर लेते हैं। और गाइड हो गया, खाना हो गया, आपको खुद ही बनाना है तो आप ज़रूर गाइड लेके जाएं, और आप यहाँ पे खुलारा तक आप खच्चर भी कर सकते हैं, खुलारा के ऊपर खच्चरों के भी पैर धस जाते हैं, इसलिए आपको वो खुद ही करना होता है खुलारा से पांगरचोला तक। कुआरी पास तो आपके खच्चर जाते हैं अगर आप दिसंबर जैन में जा रहे हैं, बर्फ़ के टाइम पे नहीं जा रहे हैं, बर्फ़ के टाइम पे भी चले जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट पांगरचोला क्योंकि काफ़ी पैर धसते हैं अंदर, तो आपको खुद ही करने होते हैं और प्रॉपर ट्रैकिंग गियर्स के साथ करने होते हैं। खच्चर के जो मिनिमल प्राइजेज हैं वो आपको गाइड ही बता देंगे, तो आप उनसे कन्फर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको सनग्लासेस भी रखने हैं और रेनकोट भी रखने हैं, रेनकोट इसलिए बिकॉज बर्फ़ तो ऑलरेडी पड़ी होगी, अगर स्नोफॉल हो जाती है तो आप एक हैवी रेनकोट भी रखिए, और सनग्लासेस ज़रूर रखिए, क्योंकि आपकी आँखों में बर्फ़ पड़ने के चांसेस हो जाते हैं, आपके पैर इतने इतने धस जाते हैं बर्फ़ के अंदर, अगर आप पांगरचोला करने जा रहे हैं तो आप बिना गियर्स के प्रॉपर आप नहीं कर सकते हैं उसको,
तो जितने भी ट्रैकिंग गियर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और जो क्वारी पास है वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आप शूज़ अच्छे रखना, थोड़े मतलब नीचे से ग्रिप अच्छी हो, ठीक है, और स्टिक वगैरह आपको उस पर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आप अगर बिगनर हैं तो आप स्टिक वगैरह यूज़ कर सकते हैं। पांगर चूल्हा के लिए आपको सब कुछ मैंडेटरी है। तो जितनी भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी कुवारी पास ट्रैक की और पांगर चूल्हा ट्रैक की, वो हमने आप लोगों को दे दी है। और हो सकता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा लगा हो जो हमसे मिसिंग है, क्योंकि ये ट्रैक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को। या फिर अगर आपके पास और भी कुछ क्वेरीज हैं जो आप लोग जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें DM कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे travel.cheeta, या फिर आप इस वीडियो पे भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। पैक अप, चल भाई माइक उतार, लगा हमारा निकाल, रुक जा, एक रहता है, रुक जा।